पंजाब दे विच ठंड जोर फड़न जा रही है। चंडीगढ़ ते मोहाली दे विच तेज हवावां चल रही ने, मीह पै रहा है। कई जिलों दे विच बारिश ते बर्फबारी भी दर्ज की गई है। बारिश ते गड़ेमारी कारण मौसम ठंडा होया है। ये कुछ तस्वीरें तो नाल साझा कर रहे हैं। पहाड़ों दे विच तेज हवावां दे नाल बर्फबारी जारी है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला दे विच भी एक बार फिर तो मौसम ने करवट बदल लिती है। देर रात तेज हवावां दे नाल रुक रुक के मीह पिया। मीह कारण इलाके दे विच ठंड वध गई है। तौलाधार दियां पहाड़ियां ते तेज हवावां नाल बर्फबारी, तौलाधार दियां पहाड़ियां बदलां दे नाल ढकियां होईयां नजर आ रहियां ने। मीह कारण किसानां दियां चिंतावां वध गईयां ने। किसान झोने की फसल की कटाई कर रहे ने। तौते मीह कारण किसानां नूं झोने की फसल का नुकसान होने का डर सता रहा है। बारिश ते गड़ेमारी कारण मौसम का मिजाज बदलिया होया है। इत्थे ठंड नज़र आ रही है। तौते पूरी तरह दे नाल सवेरे 8 बजे दियां तस्वीरां जिथे नज़र आया कि पूरी तरह दे नाल असमान काली चादर दे नाल लुकिया पिया। तो जिथे पहाड़ां दे विच बर्फबारी दर्ज की गई, हिमाचल दे विच वख-वख इलाकियां दे विच बर्फबारी दर्ज की गई है। तो इसका असर हुण मैदानी इलाकियां दे विच भी पैंदा होया। बारिश ते गड़ेमारी कारण मौसम का मिजाज बदल चुकिया है, जिस दे नाल ठंड वधनी शुरू हो चुकी है। चंडीगढ़ ते मोहाली दे विच तेज हवावां चल रहियां ने, उहदियां तस्वीरां साझा कर रहे हैं। इस खबर से साढ़े नाल गौतम बने हुए ने, उन्होंने रुख कर लें। गौतम, सब तो पहला तो तस्वीर जरूर देखना चाहवांगे। मौसम का मिजाज पूरी तरह के नाल बदल चुके हैं। जिथे दोपहर तक ठंड, दोपहर तक जिथे कड़ाके की धुप सी, पर अज तड़कसार ही ठंड नज़र आई है। की कुछ होर जानकारी है जी? बिल्कुल, अगर मैं कहूँ मौसम की बात करूँ तो मोहाली में कई दिनों से जो है वो मौसम अप डाउन चल रहा था। यानी कि धूप बहुत तेज़ हो रही थी लेकिन उसमें हल्की हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। लेकिन आज जो सुबह जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली, वो हैरान कर देने वाली बात है। अगर आप मेरे पीछे तस्वीरें देखें तो इस वक्त बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही है और अंधेरा इस तरीके से हो चुका है मानो रात छा गई हो। अभी सुबह के महज 8:15 हो रहा है। ये वो वक्त है जब सूरज निकल रहा होता है, तमाम लोग अपने काम पर जा रहे होते हैं। लेकिन अभी का मौसम अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरा अंधेरा छा चुका है, बहुत तेज बारिश हो रही है तमाम जगहों पर। हिमाचल की बात करें तो वहां पर भी बर्फबारी है, हरियाणा में भी बारिश हो रही है, मोहाली में भी जो है वो मूसलाधार बारिश हो रही है, अंधेरा छाता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो मौसम जो है वो लगातार करवट बदल रहा था, लेकिन धूप में जो है वो बहुत हल्की सी ठंडक जो है वो नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी लोगों को गर्मी का एहसास जरूर हो रहा था। एसी बहुत ज्यादा जो है वो चलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज से मौसम बदलता हुआ जरूर नजर आएगा। ठंडक जो है वो मौसम में पैदा होती हुई जरूर नजर आएगी और लोगों को कहीं ना कहीं अब सर्दी का एहसास होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बहुत वक्त से लोग यही इंतजार कर रहे थे कि कब गर्मी जाए, सर्दी का जो है वो अनुभव करने का मौका मिले, और अब वो मौका जरूर आ गया। इस बारिश के बाद मौसम काफी हद तक बदलता हुआ नजर जरूर आएगा। बिल्कुल गौतम, क्योंकि अक्सर होंदा है कि जदों तक दशहरा आंदा है तो पूरी तरह के नाल ठंड भी दर्ज की जाती है, पर जिवें तुसीं भी जिक्र किया कि इंतजार लोगों नूं सी कि आखिर हुण तक ठंड क्यों नहीं आई, पर मौसम भी वाकई करवट बदल चुकी है। मौसम विभाग इस बाबर की कुछ जानकारी दे रहा है। मौसम विभाग की अगर मैं बात करूं तो कई जगहों पर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। नॉर्मल बारिश भले ही पंजाब और हरियाणा में हो रही है लेकिन हिमाचल में येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन यहां पर लोगों के लिए खास बात ये है कि लोग अब बारिश का लुत्फ जरूर उठा पा रहे हैं। लोग घर से निकलने में जरूर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, काम पर जाने में उन्हें दिक्कत जरूर हो रही है, क्योंकि ये वो टाइम है जब एक पीक आवर होता है, लोग अपने ऑफिसेस की तरफ जाते हैं। लेकिन लोग एक तरीके से खुश भी जरूर नजर आ रहे हैं कि चलो बारिश हुई है। पंजाब के कई ऐसी जगहें हैं जहां पर ओले भी गिरते हुए नजर आए हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों ने अनुभव किया है टेम्परेचर डाउन का। जी ठीक है गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया, पर अगे भी थोड़ा जरूर रुक करांगे, तुसी सा नाल बने जरूर रहना। पर इसे खबर ते साडे नाल शिमला तो रेशमा कश्यप भी बने हुए ने, उन्हां दा भी जरूर रुक कर दिया। मौसम दा मिजाज पूरी तरह दे नाल बदल चुकिया, जिथे नज़र आया कि हिमाचल दे कई इलाकियां दे विच बर्फबारी हुई है। रेशमा जुड़ चुके ने। रेशमा, की कुछ माहौल है उत्थे मौसम दा जी? जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले 24 घंटों के अंदर हिमाचल प्रदेश के जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से प्रदेश में शीत की जो लहर है वो यहां पर चल रही है। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि कुछ क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर जो तापमान है वहां पर माइनस में टेम्परेचर चला गया है। कुल्लू के पर्वतीय क्षेत्र की बात की जाए, किन्नौर या लाहौल स्पीति की बात की जाए, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था और आज भी हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में
जो भारी बारिश है मैदानी इलाके और जो निचले इलाके हैं वहां पर हो सकती है, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए और हाई रिचेज में आज भी स्नोफॉल होने की संभावना जताई गई है। बर्फबारी होने के चलते ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है और आज भी मौसम विभाग ने कहा है कि हाई रिचेज पर जो बर्फबारी है वो और ज्यादा हो सकती है, जिस वजह से हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन कारोबारी है वो कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं और क्योंकि जो पर्यटक हैं उन्होंने अब हिमाचल का रुख करना शुरू कर दिया गया है, चाहे शिमला की बात की जाए, चाहे कुल्लू की बात की जाए या फिर किन्नौर की, वहां पर पर्यटक आना शुरू हो गए हैं। अगर मौसम विभाग की बात करें तो हिमाचल में अभी 18 तारीख तक जो मौसम है वो खराब रहने वाला है, येलो अलर्ट सिर्फ आज के लिए जारी किया गया है, लेकिन बारिश का और हल्की जो बर्फबारी का जो सिलसिला है वो 18 तारीख तक इसी तरह से जारी रहेगा। आमतौर पर इस तरह से देखा जाता है कि जब अक्टूबर का महीना शुरू होता है, क्योंकि अभी जो विंटर सीजन है वो 15 नवंबर से शुरू होता है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन पिछले कुछ समय से एक महीने से जैसे देख रहे हैं कि हाई रिचेज पर जो अर्ली स्नोफॉल है वो हो गया है, जिसकी वजह से जो अभी एक ड्राई स्पेल रहता था इस महीने में वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि टूट चुका है, क्योंकि बारिशें हो रही है और जो स्नोफॉल है वो लगातार हो रहा है। ठीक है रेशमा, तुसी सन्ना बने रहो, आपां कांगड़ा दा हाल भी देख लेने हैं। कांगड़ा दे विच किहो जिहा मौसम है, राहुल कश्यप बने हुए ने साडे नाल, उन्हां दा रुख कर लेने हैं। राहुल, जानना चाहवांगे उत्थे की कुछ माहौल है, कांगड़ा दे विच किवें दा मौसम है। जी जी, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीती रात से ही तेज हवाओं के साथ यहाँ पे हल्की हल्की जो बारिश है वह भी धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी बारिश है वहाँ पे हल्की हल्की बारिश का दौर भी रात से जारी है। और अभी की बात करें तो अभी भी बारिश का दौर शुरू होने वाला है यहाँ पे। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि ये धर्मशाला की धूलधार की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे अभी इस समय जो है वो यहाँ पे जो बारिश भी साथ में हो रही है और तेज हवाओं के साथ यहाँ पे जो बर्फबारी है वो भी यहाँ पे पहाड़ों पे हो रही है। आप तो बादल देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बादल भी बिल्कुल छाए हैं। और यहाँ पे अभी की बात करें तो जो किसानों के लिए एक बुरी खबर ये है कि यहाँ पे धान की कटाई चली हुई है इस समय, और धान की कटाई जो चली है तो अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे किसानों के लिए चिंता का विषय यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि धान खराब होने के यहाँ पे काफी जो किसानों की चिंताएं हैं वे बढ़ती हुई नजर आएगी। जी जी बिल्कुल, क्योंकि जिवें तुसीं जिक्र कीता राहुल चावला कि किस ढंग दे नाल मौसम दा बदलिया, पर दूसरे पासे राहत तां जरूर कुछ लोकां नूं मिली है गर्मी तों, पर दूसरे पासे किसानां दे लई इक मारू भी साबित हो सकदा है। किसान जिन्हां दी फसल मंडियां दे विच पहुंची हुई है, कि कुछ प्रबंधां नूं लै के जानकारी आ रही है ते मौसम विभाग इस बाबत की कुछ कह रहे हैं। जी जी, देखिए किसानों का यही कहना था कि अगर बारिश होती है तो जो फसल है उसकी कटाई का जो काम अभी चला हुआ है अगर बारिश होती है तो वह खराब होने की पूरी आशंका रहेगी, और पूरी मेहनत जो उन्होंने किसानों ने की होती है उससे पूरा का पूरा पानी यहाँ पे फिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो तीन चार दिनों से जो गर्मी यहाँ पे पड़ रही थी धर्मशाला में, कहीं ना कहीं इस बारिश होने से जो इलाका है वो ठंड की चपेट में जरूर आएगा। जी जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा राहुल इस तमाम तस्वीरों लई जानकारी लई भी। सो अपने दर्शकों तक नाल नाल जानकारी साझी कर रही हैं कि मौसम ने किवें करवट बदली है, शिमला दीआं तस्वीरां साझा कीतियां, मोहाली दीआं तस्वीरां साझा कीतियां। मोहाली दे विच जदों समां 8 बजे दा पूरी तरह दे नाल असमान काली चादर दे नाल लिपटिया होया भरिया होया नज़र आया, उत्थे यह तस्वीरां शिमला दे विच भी देखने को मिली, पर हिमाचल के वक् वक् इलाकों के कई थावां ते पारा माइनस तक भी पहुंचा है, कई थावां ते बर्फबारी भी दर्ज की गई है। उत्थे चंडीगढ़ मोहाली दे विच तेज़ हवावां चल रही ने, तो उस समय जो लोग ऑफिसिज़ वालों जाते हैं अपने दफ्तर वाल का रुख करते हैं तो उदों बेहद ज़्यादा गड़ेमारी वर्गा माहौल, बेहद ज़्यादा तेज़ी के नाल बारिश और ठंडा मौसम इतने चल रहा है। पंजाब दे विच ठंड ने जोर फड़ लिता है, क्योंकि ये गल जरूर आखी जा रही थी कि मौसम बदलता नज़र नहीं आ रहा, जिस तरह दूसरे पास असर इतने एक वड्डा असर किसानों को पैन जा रहा है, क्योंकि किसानों दी फसलां पहला ही मंडी दे विच पईयां होईयां ने, मंडियां दे विच जदों फसलां पहुंचीयां होईयां ने उस समय अजिहा मौसम होना वाकई एक चिंता का विषय ना किसानों के लिए भी है, मारू रूप भी साबित हो सकता है। पंजाब दे विच हालांकि जरूर ठंड ने जोर फड़ना शुरू कर दिता है, चंडीगढ़ ते मोहाली दे विच तेज़ हवावां दे नाल मीह पै रहा है।